आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 6.3 समरूपता। पहला प्रश्न, समरूपता के सभी क्राइटेरियाज आप पढ़ चुके हैं बच्चों, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो अवश्य देखें और उन क्राइटेरियाज को समझें। बताइए कि चित्र बना दिए हमने, दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, देखने में ये प्रश्न जितना आसान है उतना है नहीं, बिल्कुल ध्यान से आप इसकी बारीकियों को समझेंगे कि किस प्रकार से हम समरूपता की कसौटियों को लिखेंगे और सबसे आवश्यक बात कि सांकेतिक रूप में किस प्रकार से लिखा जाए जिससे गलती ना हो। यहाँ पर देखिए जरा बच्चों, पहले प्रश्न में ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, कोण ए 60 अंश, बी 80, सी 40, पी 60 अंश, क्यू 80 और आर 40 अंश। तो यहाँ पर बच्चों देखने से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक कोण क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर के प्रत्येक कोण के बराबर है। बस अब हमें यहाँ पर समरूपता का क्राइटेरिया तो पता चल गया, ट्रिपल ए कोण 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 क्राइटेरिया होगा और सांकेतिक रूप में लिखेंगे कैसे इसको ध्यान रखेंगे। तो सांकेतिक रूप में लिखने के लिए आप सबसे पहले कोई भी त्रिभुज, पहले तो आपने डिसाइड कर लिया ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, हाँ होंगे। अब हो गए तो पहले आपने लिख लिया, मान लीजिए किसी भी क्रम में त्रिभुज ए बी सी और समरूपता का चिन्ह लगाया। अब प्रमुख बात प्रारंभ हुई, कोण ए किसके बराबर है बच्चों, पी के। तो अब ए के साथ क्या आएगा, पी, तो आप लिखेंगे पी त्रिभुज पी। बी 80 अंश है और इधर कौन सा 80 वाला है, क्यू, तो बी के साथ क्या आना चाहिए, क्यू, तो बी के सापेक्ष में आ गया क्यू। और अब अंतिम जो बचा सी 40 अंश है और यहाँ पर आर 40 अंश है, तो यहाँ पर लिख दिया आर और यहाँ पर क्राइटेरिया का नाम दे दिया हमने ए ए ए क्राइटेरिया। तो बच्चों यही हमारा उत्तर हो गया। इसको अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कहा, आपने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे सर, हम तो लिखेंगे पहले त्रिभुज बी ए सी, कोई बात नहीं आपने त्रिभुज बी ए सी पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बी के साथ कौन सा कोण आना चाहिए बच्चों, क्यू, क्योंकि बी 80 है और क्यू भी 80 है, तो अब आप बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिख देंगे क्यू बी के साथ। ए के साथ क्या आना चाहिए, ए 60 है पी 60 है, तो यहाँ पर ए के सापेक्ष में लिखेंगे पी और उधर फिर सी के सापेक्ष में क्या लिखेंगे, आर। और ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों, और इसके लिए भी क्राइटेरिया ट्रिपल ए ही है, तो आप दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि और भी तरीकों से इसको हम बदल बदल के लिख सकते हैं, हम सी से प्रारंभ कर सकते हैं, हम ए सी बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं इसको, मगर प्रथम त्रिभुज के सापेक्ष ही दूसरे त्रिभुज को लिखना है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में, ये बहुत आवश्यक प्रश्न है बच्चों, जरा देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और एक त्रिभुज दिया गया है बच्चों हमारे पास आर क्यू पी। अभी इसके नाम को डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे कि क्रम से कैसे इसके नाम लिखे जाए, कैसे नाम डिसाइड होंगे इसको जरा भी देखेंगे। पहले देखेंगे क्या ये समरूप है या नहीं, कोई क्राइटेरिया इसमें लग रहा है, तो यहाँ पर जब कोण नहीं दिए गए बच्चों तो हमें फिर भुजाओं पर विचार करना है, क्या भुजाएं समानुपाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोण नहीं दिया गया है, तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब तीनों भुजाएं दी होने की दशा में हमें यह चेक करना होगा कि क्या इनकी भुजाएं समानुपाती है, चेक करते हैं। ये भुजा दो, दो का मल्टीपल क्या है, 6 और 4 दोनों है, तो अगर आप 2/6 करेंगे तो 1/3 आएगा, 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तीन पे देखते हैं, तीन का एक ही मल्टीपल है 6, तो इसका मतलब है 2 के साथ 4 लेना चाहिए, तो 2/4 कर देंगे 1/2 आ जाएगा, 3/6 कर देंगे तो भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2.5/5 कर देंगे तो भी 1/2 आ जाएगा। अर्थात बच्चों इनकी भुजाएं हैं तो समानुपाती, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप तो हैं। और कौन सा क्राइटेरिया है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, भुजा 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 क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज समानुपाती हैं। अब प्रमुख बात आती है कि इनके क्रम को बच्चों सही प्रकार से कैसे लिखा जाए। चलिए इस
लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए बी, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ए बी बटे, अब दो के साथ चार वाला लिखना है आपको, तो आप देखिए बच्चों आप ए बी के साथ चार वाली भुजा क्या है, ए बी के साथ चार वाली भुजा है क्यू आर भी है, क्यू आर या तो आप लिख सकते हैं और या आप ए बी बटे आर क्यू लिख सकते हैं, मगर दोनों में सही कौन सी है इसको देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि भाई ए बी ऊपर आपने मान लीजिए चूज कर ली तो ए बी या बी ए भी लिख सकते थे, तो उसके सापेक्ष नीचे क्या लिखेंगे, तो अब दो बटे चार से अनुपात तो एक बटे दो आ रहा है, ये क्लियर है, मगर ए बी बटे क्यू आर लिखे कि ए बी बटे आर क्यू लिखे कौन सा सही है, अब देखते हैं जरा इसको। ए बी देखिए दो है तो शीर्ष ए के साथ जो भुजा जुड़ी हुई है तीन वाली है, अर्थात हमें नीचे जो शीर्ष पहले आएगा उसके साथ भुजा वो जुड़ी होनी चाहिए छह वाली, क्योंकि तीन के साथ सापेक्ष कौन सी आ रही है छह, तो अब हम जैसे हमने ए बी बटे क्यू आर लिखा तो शीर्ष ए के साथ तीन जुड़ी है तो क्यू के साथ कौन सी जुड़ी है छह, और इसका अनुपात तीन गुणी छह एक बटे दो, यानी ये सही आ रहा है, आप इधर से भी मिला सकते हैं आर, अब जैसे बी के साथ कौन सी जुड़ी है ढाई वाली, तो आर के साथ कौन सी जुड़ी होनी चाहिए पांच वाली, देखिए शीर्ष आर के साथ पांच वाली भुजा जुड़ी है, तो इसका मतलब ये सही है और ये तरीका सही नहीं है, तो आप ए बी बटे क्यू आर लिखेंगे। चलिए तो ए बी बटे क्यू आर बराबर क्या आ गया, अभी तो एक बात हुई, अभी और आगे हमें इसकी गहराई को समझना है बच्चों, तो ए बी बटे क्यू आर, तो ए बी बटे क्यू आर कितना आया बराबर दो बटे चार, अर्थात ये हल हो गया आ गया एक बटे दो। अब दूसरी भुजा को चूज करते हैं, मान लीजिए हमने चूज कर ली बी सी, तो उसी प्रकार से जरा लगाइए दिमाग कि BC के साथ क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु B के साथ दो वाली भुजा है, तो पहले हम पांच वाली भुजा देखते हैं कि पांच वाली भुजा आखिर है कहाँ, तो पांच वाली भुजा बच्चों कहाँ है, पांच वाली भुजा ये है, कौन सी ये RP, और बिंदु B के साथ दो वाली है, तो यानी हमें R पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि R के साथ ये चार वाली भुजा जुड़ी है, तो हम लिखेंगे BC बटे RP, क्यों बच्चों BC बटे RP ही क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ध्यान से जब हमने BC लिखा तो बिंदु B के साथ दो वाली भुजा और C के साथ तीन वाली भुजा, अर्थात अब हमें R के साथ चार वाली और P के साथ छह वाली, क्योंकि यही इनके गुणज है, तो BC बटे RP बराबर आ गया हमारे पास 2.5 बटे 5, अर्थात ये भी हो गया 1 बटे 2। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो बची हमारे पास अंतिम भुजा उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए मान लीजिए हमने लिखा AC बटे, अब देखिए आपको बताइए AC बटे क्या होगा, तीन के साथ छह वाली लिखनी है हमें, AC मतलब बिंदु A के साथ दो वाली लिखी है, तो यानी AC बटे क्या आएगा QP, अब आप समझ गए होंगे AC बटे आ गया QP, तो AC कितनी है बच्चों तीन और QP कितनी है छह, तो ये भी आ गया एक बटे दो, अर्थात आप अगर तीनों समीकरणों से ये समझ गए हैं कि इन ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, तो इसको हम एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं, तो हम इसको एक साथ मिला के लिख दे रहे हैं, ये तो हमने 10 का काम मान लीजिए कर लिया, बराबर यहां पे लिख दिया हमने BC बटे RP, और बराबर ये तो लिखा ही हुआ था AC बटे QP, अब बाकी चीजों को इरेज कर दे रहे हैं, उनकी आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं पड़ रही है बच्चों, तो ये हम हटा देते हैं क्योंकि हमने लिख ही लिया है, और सीधे सीधे इन तीनों को बराबर लिख देंगे, इसके तीनों बराबर आए हैं एक बटे दो के, तो एक बटे दो के तीनों बराबर हो गए, अब हमें इसके आधार पर समरूप त्रिभुज लिखने हैं, तो उसका भी आपको ट्रिक बताते हैं, यहाँ से चलना शुरू करिए, ए बी बी छोड़ दीजिए सी आ गया, तो आपने लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, नीचे चलिए क्यू आर और फिर आर आ गया, छोड़ दीजिए पी सी दे दीजिए, तो ये हो गया त्रिभुज क्यू आर पी के, और कौन सी समरूपता लगी यहाँ पे लिख दे रहे हैं भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 समरूपता द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए, अब आप यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, देखिए जरा ए बी दो ए बी दो, इधर आ जाइए क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पर कितनी है चार, यानी अनुपात एक बटे दो आ रहा है, B
बीसी, बीसी कितनी है 14.5, तो उसी के सापेक्ष में यहाँ पे क्या है आरपी, आरपी कितना है 5, और इसी प्रकार से एसी, एसी यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे आया क्यूपी, क्यूपी कितनी है 6, अर्थात यहाँ पे भी अनुपात आ गया बच्चों 1/2। चलिए तो ये हो गई दूसरा प्रश्न आपका हो गया, आपने एक समरूपता भी लिख दी और सही क्रम भी आप सीख गए। तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, एक एक भाग बहुत गहराई से देखेंगे। तीसरे भाग में आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर है 1.7, 2.7 का कोई मल्टीपल यहाँ पर इस दूसरे वाले त्रिभुज बच्चों नहीं दिया गया है, और देखते हैं आगे क्या कोई कोण दिया गया है, कोई कोण भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये भुजा 2 है, ये 4 है, अनुपात आ गया 1/2, ये भुजा 3 है, ये 6, अनुपात आ गया 1/2, मगर यहाँ पर बच्चों दो भुजाओं का ही अनुपात 1/2 आ रहा है। तीसरी जो भुजा है वो यहाँ पर 2.75 है, अगर यहाँ पे 2.5 होता तो अनुपात 1/2 आ जाता, तो दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाते बिल्कुल पीछे वाले की प्रकार से, मगर यहाँ पर ये भुजा 2.7 है और 1.5 है, इसलिए तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है, होनी चाहिए तीनों ही भुजाएं समानुपाती ट्रिपल एस क्राइटेरिया के आधार पर, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसके नीचे लिख देंगे आप समरूप नहीं है, ये जो त्रिभुज है बच्चों ये आपके समरूप नहीं होंगे। आ जाते हैं अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न में, इसमें देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें दो भुजाएं और एक कोण दिया है, तो दो भुजाएं और एक कोण में कौन सी समरूपता आपको याद आ रही है? बिल्कुल सही, ऐसे ही एस समरूपता, जिसमें दो भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, दो भुजाएं समानुपाती हो और ध्यान रखिए क्या कहा हमने, उनके बीच का कोण बराबर हो। तो आप देखिए जरा यहाँ पर 2.5/5 करेंगे 1/2 आएगा, 5/10 करेंगे 1/2 आएगा, बीच का कोण 70 है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज भी बच्चों समरूप होंगे। तो आप इसको लिखने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे एम एन, देखिए ध्यान से एम एन बटे एम के साथ क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 70° कोण बन रहा है, तो एम एन बटे क्यू पी ये कितना आ जाएगा 2.5/5 अर्थात 1/2, उसके बाद एम एल, तो एम एल के साथ बच्चों क्या आएगा एम एल बटे क्यू आर, ये आ गया क्यू आर बिल्कुल उसी प्रकार से, और ये आ जाएगा 5/10, तो ये भी बच्चों 1/2 हो जाएगा, उसके बाद कोण एम बराबर है कोण क्यू के, और दोनों ही बच्चों 70° है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। लिखने का तरीका बिल्कुल उसी प्रकार से, एम एन एम एक्स्ट्रा एच छोड़ दीजिए एल, तो क्या लिखेंगे देखिए जरा ट्रिक, त्रिभुज एम एन एल, एम एन के बाद एल आ गया समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी, और क्यू को छोड़ दीजिए आर, तो ये हो गया क्यू पी आर के, और कौन सा क्राइटेरिया लगाया आप बच्चों एस ए एस क्राइटेरिया, यहाँ पर एस ए समरूपता है बच्चों समानता नहीं है। आगे बढ़ते हैं पांचवे प्रश्न की तरफ, यहाँ पर देखिए जरा पांचवे प्रश्न और चौथे प्रश्न में बहुत कम अंतर है, यहाँ पर ए बी 2.5 है और एफ डी 8 है, इनका अनुपात 1/2 आएगा, बी सी और ई एफ का अनुपात भी 1/2 आएगा, ये 3 है ये 6 है, परंतु यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए जरा कि जो भुजाएं समानुपाती हैं उनके बीच के कोण बराबर नहीं है, यहाँ पर कोण ए 80 है और यहाँ पर कोण एफ 80 है, अगर कोण डी 80 होता पर ये बी वाला 80 होता तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते एस ए एस क्राइटेरिया से, परंतु यहाँ पर कोण ए 80 है और यहाँ पर कोण एफ 80 है, अर्थात जो भुजाएं समानुपाती है उनके बीच का कोण बराबर नहीं है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण 80 है परंतु इन दोनों के बीच का कोण 80 नहीं है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप नहीं है, और जब समरूप नहीं है तो आपने विचार कर भी सकते थे कि ये कोई सवाल नहीं है, तो यहाँ पे होगा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप नहीं होंगे। आ जाइए अंतिम सवाल में, यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं 70, 80, यहाँ पर 80 और 30, अभी आपको देखने से लग रहा होगा ये समरूप नहीं है, परंतु अभी हम इसको तय नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180° हो सकता है इसकी सहायता से, तो जब हम कोण P निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 180 में से 80 और 30 को
आ जाएगा 180 ऋण 8 के बाद 9 10 11 110 तो कितना आ गया 70 अंश। तो देखिए जरा ये कोण जो हमने निकाला है तो ये आ गया है 70 अंश और ये है 70 अंश 80 70 दो कोण आपस में बराबर मिल गए इसका मतलब डबल ए सिमिलरिटी लग गई। उसी वैसे भी अगर आप ये तीसरा निकालेंगे तो 30 आएगा उसी प्रकार से। तो बस यहाँ पर चलिए बच्चों उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बार बार बच्चों वीडियो रिवाइज करके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए धन्यवाद।